हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि MPPSC 2019 प्री में आपको कितने नंबर चाहिए, यानी कि आपको कितने नंबर की तैयारी करनी चाहिए कि आपके इतने नंबर आ जाएं जिससे कि फ्रेंड्स आपका कट ऑफ निकल जाए, और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम भी आपकी मदद कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। फ्रेंड देखिए, MPPSC का एग्ज़ाम जो पैटर्न है, PT या प्री में दो एग्ज़ाम होते हैं। पहला पेपर GS का जनरल स्टडी, दूसरा पेपर CSET का, ठीक है, जिसमें FT रीजनिंग वगैरह आता है। फ्रेंड्स इनका जो एग्ज़ाम का मार्क्स है, देखिए फ्रेंड दोनों में 100-100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, 200-200 मार्क्स के होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो कट ऑफ बनता है वो फ्रेंड्स पहले पेपर से ही बनता है, जो सिविल सर्विस वाला और जो फॉरेस्ट सर्विस वाला, दोनों पेपर से कट ऑफ बनता है। तो जिनको फॉरेस्ट सर्विस देना है वो दोनों पेपर की अच्छी से तैयारी करें फ्रेंड्स। और इस एग्ज़ाम में एक और बात हम आपको बता दें, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती है। तो MPPSC में माइनस मार्किंग नहीं रहती है फ्रेंड। देखिए 2018 का यदि हम पेपर एंड कट ऑफ के बारे में बात करें, पेपर की जो मेन बातें थी, देखिए फ्रेंड इसमें 2018 के पेपर में SC ST एक्ट, अदर जो एक्ट हैं, सिविल राइट एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट, इससे लगभग फ्रेंड 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 22 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड, ये एक इतिहास बन गया था MPPSC में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स इसमें यदि बात करें हम कट ऑफ की, तो देखिए ST का गया था 59, SC का 63, OBC का गया था फ्रेंड्स लगभग 67, और जनरल का गया था 69। तो फ्रेंड्स सभी जो कट ऑफ थे वो 59 से 69 के बीच में थे। और फ्रेंड 2017 के बारे में यदि बात करें हम पेपर, तो देखिए फ्रेंड इसमें करंट बहुत ज़्यादा आया था, 20 से 30 क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे, और इसमें MP कम आया था। और फ्रेंड्स जो मेन बात है, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी छोड़ना नहीं है। यदि आपने कुछ भी छोड़ा तो फ्रेंड्स आपको दिक्कत हो सकती है। और फ्रेंड्स यदि हम MPPSC कट ऑफ के बारे में बात करें, देखिए 2015 से पैटर्न बदला है, तो SC का जो रहा है सबसे कम कट ऑफ 55 है, जो कि पिछले साल ही था फ्रेंड। वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 2017 में। इस बार जो 2018 में वैकेंसी वो 300 के आसपास थी, 200 थी, उसके बाद में 100 वैकेंसी के आसपास बढ़ी थी। और तो सबसे कम जो कट ऑफ है 59 है, 55 है, और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो फ्रेंड्स 59 है ST का। और जनरल में फ्रेंड्स 76 तक कट ऑफ गया है, और भी 69 है, ठीक है, और भी थोड़ा कम आया, 65 के आसपास भी आया है कट ऑफ। और फ्रेंड जो कट ऑफ यदि बात करें इसमें कट ऑफ 2017, तो आपको जो मार्क्स लाने हैं फ्रेंड्स, आपको इतने नंबर लाने की तैयारी करनी चाहिए लगभग। ST में हैं यदि आप, तो आपको 60+ मार्क्स लाने की सोचनी चाहिए। और SC में है तो, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, और SC में है तो 65, OBC में तो 70+, और जनरल में तो 73 या 75 के आसपास आपको मार्क्स लाने की सोचनी चाहिए। तो ही फ्रेंड्स आपका PT क्लियर हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता, और दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स आपके और भी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।